अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपसे डिस्कस करना था कि हम अपने बजरी पैरेट को गर्मी में शावर किस तरीके से करवाते हैं। उससे पहले आपको स्क्रीन पे ये कॉलर माइक दिख रहा होगा। जी दोस्तों, ये कॉलर माइक मैंने ड्रास से ऑनलाइन परचेज़ किया है, जो कि मेरे पास आ गया है। अब अपनी वीडियो में इसकी क्वालिटी चेक करेंगे और आपको बताएंगे कि समर सीज़न में किस तरीके से अपने बर्ड्स को आप शावर करवा सकते हैं। अभी आपको शावर करके दिखाते हैं। जी दोस्तों, देखिएगा ये शावर घन है। इस पर आप रूम टेम्परेचर का पानी ले लें और उससे अपने बर्ड को शावर करके दिखाएं करें। देखिए व्यूअर्स, किस तरीके से हम अपने पैरेट्स को शावर करते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखें, इस तरीके से आप अपने पैरेट्स को हल्के हल्के से सब पैरेट्स को शावर करवा दें, जितने हो सकते करवा दें शावर, क्योंकि गर्मियाँ बहुत हैं और आप टेम्परेचर देख सकते हैं 36.3 चल रहा है इस वक्त, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। बजरी पैरेट्स के लिए नॉर्मली टेम्परेचर 25 से लेके 30 तक होना चाहिए, पर 36 बहुत ज़्यादा है। तो आप कोशिश करें कि अपने जितने पैरेट्स हैं उनको शावर करवा दें और अपनी कॉलोनी के आसपास ये शावर को कर दें, तो ताकि इससे इनको थोड़ी सी ठंडक मिलेगी। ज़्यादा ना करवा दें शावर, ऐसा ना हो कि आपके परिंदे भीगें तो वो फूल के बैठ जाएं, ऐसा ना उनको फीवर हो जाए। हल्का हल्का सा शावर करवा दें, ज़्यादा नहीं करवाएं, और जितना हो सके अपने परिंदों का ख्याल रखें, क्योंकि गर्मियां चल रही हैं। मैंने आपसे पहले भी अपनी वीडियो में बताया, जितना आप इनका केयर करेंगे उतना आपको ये अच्छा रिज़ल्ट देंगे। तो देखिए, हम इसको शावर कर रहे हैं, सब अपने परिंदों को शावर करके दिखाते हैं भी आपको। देखें व्यूअर्स, इस तरीके से आप अपने फिंच को भी शावर करवा दें। अगर आपके पास जो भी पैरेट्स रखे हैं आप उनको शावर करवाएं। शावर करवाने से उनको गर्मियां कम लगेंगी और फिर आपके परिंदे अच्छे से अलाइव भी करेंगे और अच्छे से उड़ेंगे केज के अंदर ना। फिंच के लिए तो मैं आपको एक अच्छा मशवरा दूंगा कि आप अपनी कॉलोनी में एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन में पानी भर के रख दें। इतना ना भर के रख दें कि फिंच उस पर गिर के डूब जाए। इतना भर दें खाली उनका पाँव हल्का सा उस पर गीला हो और वो खुद अपने आप को उस पर शावर करवा कर लेंगे। देखिए, बजरी पैरेट्स को भी शावर करवा दिया और मैंने आपसे कहा था कि टेम्परेचर मीटर दिखा रहा हूँ आपको, जो कि अभी 36.6 चल रहा है। अभी इस वक्त 33.3 है, इससे पहले 36.6 था। तो मैंने आपसे बताया ना कि शावर करवा देंगे आप तो आपकी कॉलोनी की जो मतलब दीवारें हैं ना, उनको भी अच्छे तरीके से आप शावर कर दें, ताकि आपकी कॉलोनी का जो अंदर का टेम्परेचर है ना वो मेंटेन हो जाए। जैसे कि मैं कराची से बात कर रहा हूँ, तो कराची का इस वक्त बाहर का टेम्परेचर 41 चल रहा है। और वैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा इंडोर का सेटअप है, तो मेरे इंडोर पे अभी बताया था आपको 36.6 चल रहा था, अभी 33.3 है। इस तरीके से अपने परिंदों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और अपना और अपने परिंदों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।